आदाब नाज़रीन, मैं सफदर खजर। आज कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस के उम्मीदवार की जानिब से एमएलसी इलेक्शंस को लेकर डिप्टी कमिश्नर में जिस किस्म के अपने अपने फाइल नॉमिनेशन किए हैं उसकी तफसीलात आपके रूबरू पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आप तमाम जानते हैं, 10 दिसंबर को होने वाले 20 अदद हलकों से इस मरतबा 25 अदद सीटों के लिए मैसूर चामराजनगर हलके कानून साज काउंसिल यानी एमएलसी इंतखाबात के सिलसिले में आज डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में कांग्रेस, जनता दल यस और बीजेपी पार्टी उम्मीदवारों ने अपने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। कांग्रेस पार्टी से 62 उम्मीदवार डॉक्टर डी तमैया, इसी तरह जेडीएस पार्टी से सीएन मंजेगौड़ा और इसी तरह बीजेपी से इस मरतबा 62 उम्मीदवार आर रघु अपनी अपनी किस्मत आजमाई के लिए मैदान में एक दूसरे के रूबरू आ चुके हैं। कांग्रेस से 62 उम्मीदवार डॉक्टर डी तमैया का ताल्लुक हुंसूर से है, जिन्होंने मैसूर और कुर्ग में 62 हेल्थ ऑफिसर अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। वैसे देखा जाए तो इनका सियासी दौर जेडीएस से शुरू हुआ, बाद में उन्होंने बीजेपी में दाखिल हुए और आखिर में उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हुए इस मरतबा टिकट हासिल करने में भी कामयाब रहे। हालांकि मौजूदा एमएलसी धर्मसेना ने इस टिकट को लेकर बहुत ही जोर आजमाई की, मगर उन्हें इस मरतबा टिकट नहीं दिया गया और डॉक्टर तमैया को इस मरतबा टिकट दिया गया। इसी तरह डॉक्टर तमैया ने कागजात नामजदगी के मौके पर इनके साथ केपीसीसी वर्किंग प्रेसिडेंट आर ध्रुवा नारायण, साबिक वजीर कर्नाटक एससी माधेवपा, एमएलए तनवीर सेठ, सिटी कांग्रेस प्रेसिडेंट आर मूर्ति के अलावा रूरल कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट डॉक्टर विजय कुमार मौजूद रहे। इसी तरह जेडीएस उम्मीदवार सीएन मंजेगौड़ा, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को खैरबाद कहते हुए जेडीएस पार्टी में शामिल हुए हैं, उनके हमरा एमएलए टी नरसिंहपुर अश्विन कुमार के अलावा सिटी प्रेसिडेंट चलवेगौड़ा के अलावा दीगर जेडीएस लीडरान मौजूद रहे। और आखिर में ये बता दूं कि बीजेपी उम्मीदवार आर रघु के साथ जिले निगरान कार वजीर एसटी सोमशेखर, साबिक एमएलसी एसटी सिद्धराजू, एमएलए नागेंद्रा, एमएलए हर्षवर्धन वगैरह मौजूद रहते हुए तमाम ने बारी बारी डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बगादी गौतम को अपने कागजात नामजदगी दाखिल करने का मंजर देखा गया। कौशन न्यूज़ को ज़्यादा सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस न्यूज़ को शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सलाम अलैकुम।